हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में, यानी कि ये वीडियो है आपका 12th क्लास वालों के लिए, जो 9th चैप्टर की बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में जितना भी टॉपिक है उसको एक बार कंक्लूड करके आपका लास्ट टॉपिक जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है वो कवर करेंगे और उसको एक मुकाम पे ले जाएंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। अभी तक हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किए, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिस्कस किए, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किए, और हम लोग डिस्कस किए कि फिक्स्ड कैपिटल को ध्यान में रखते हुए फिक्स्ड कैपिटल को डिसाइड करने के लिए कि कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो सिंपल सी बात है, चलिए वर्किंग कैपिटल के बारे में सबसे पहले समझें। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल को आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म एसेट्स। वर्किंग कैपिटल में दो चीज आता है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। और करेंट एसेट्स मतलब होता है वो एसेट्स जो एक साल के लिए आपके बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी ना बहुत सारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करती है। जैसे मान लीजिए हम बिजनेस चला रहे हैं और 50,000 रुपया मेरे पास अचानक से आया और मुझे पता नहीं है कि 3 महीना तक हम इसका क्या करें। मेरे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जहां पर हम 3 महीने के लिए उसको इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है, यानी कि 3 महीने तक इस पैसे का यूज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 महीने के लिए कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। 6 महीने के लिए यूज नहीं है तो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। सिंपल सा बात है। कभी कई बार ऐसा होता है, जैसे रिसेशन पीरियड है, कंपनी के पास पैसा है मगर उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है, कंपनी उसको अपने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, कंपनी उस पैसे को यूज नहीं कर पा रही है, कंपनी वो पैसा आइडियल रखा हुआ, तो कंपनी क्या करता है कि उसको इन्वेस्ट कर देता है। अब देख लिया कि 6 महीने का अभी मेरे पास समय है तो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कभी कभी किया जाता है कंपनी के द्वारा, 6 महीना, 9 महीना, 8 महीना, 6 महीना, ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद करेंट लायबिलिटी की बात करें तो क्रेडिटर से आप उधार लेते हो, बिल्स पेबल होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका बिजनेस को रन करने में, आप कितना उधार ले रहे हैं। तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के कंपैरिजन को हम लोग वर्किंग कैपिटल बेसिकली बोलते हैं, कि कितना आपका करेंट एसेट्स के और करेंट लायबिलिटी का अमाउंट है। एक्सेस ऑफ, अच्छा डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सिंपल सा यही होता है, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी, उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर वर्किंग करेंट लायबिलिटी मतलब मान लीजिए करेंट एसेट्स है आपका 1 लाख रुपए का और वर्किंग और करेंट लायबिलिटी है, करेंट एसेट्स है 1 लाख रुपए का और करेंट लायबिलिटी है 70,000 रुपए का, 70,000 का, तो ये जो बीच में जो गैप है 30,000, ये हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। तो फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, और इसको अगर लैंग्वेज के टर्म में बोले तो एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी। अब अगर बात करें करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी की, तो देखिए बेसिकली वो कंपनी जिसका करेंट एसेट्स ज्यादा होता है और करेंट लायबिलिटी कम होता है उसको सही बोला जाता है। इससे पता क्या चलता है कि आपका कमिटमेंट जो है, फाइनेंशियल कमिटमेंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट, वो आप इजीली फुलफिल कर लोगे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास करेंट एसेट सिर्फ 1 लाख रुपए का है, इसका क्या मतलब है कि 1 साल के अंदर में आपको 1 लाख रुपया अरेंज हो जाएगा, मगर करेंट लायबिलिटी 1.5 लाख रुपए का है, यानी कि आपको पेमेंट कितना करना है, 1,50,000 रुपीज। तो बताइए फाइनेंशियल कमिटमेंट विद इन 1 ईयर है आपका 1,50,000, मगर आपके पास कितना फंड आएगा, मात्र 1 लाख रुपीज। तो ये जो निगेटिव वर्किंग कैपिटल है ये बहुत बुरा इंडिकेशन है, यानी कि ये शो करता है कि भाई आपका बिजनेस का पोजिशन जो है वो सही नहीं है। पर अगर पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, मतलब लायबिलिटी मात्र 70,000 का है और एसेट्स आपका कितने का है, करेंट एसेट्स है आपका 1 लाख रुपीज का, तो आप इजिली पे कर पाओगे। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए वर्किंग कैपिटल, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए।
चलिए तो फिर शुरू करते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया और देखते हैं कि और भी क्या डिस्कस करना हम लोगों को। देख, वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन बोल रहा, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लाइबिलिटी। अब क्या कह रहा है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब ओवरऑल जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे दिस रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करेंट एसेट्स सच एज बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, जो स्टॉक मेंटेन कर, इन्वेंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। दीज करेंट एसेट्स गॉट कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? करेंट एसेट्स को बोलते हैं, सिंपली आप कह सकते हैं, है ना। जो भी करेंट एसेट्स जैसे कैश है, बैंक बैलेंस है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इन्वेंट्री है, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप करके रखे हैं, ये सारा किस में आ जाएगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में हो जाएगा। और भी एग्जांपल है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। देखिए, अच्छा, इन्वेंट्री भी ना तीन प्रकार का होता है। इन्वेंट्री भी यानी कि स्टॉक जो है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, ठीक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक। एक होता है सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक, है ना, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक। और एक होता है फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो तीन तरीके का स्टॉक होता है, ये तीनों इसमें आ जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब होता है वो सिक्योरिटीज जो आप इजिली मार्केट में बेच सकते हैं, है ना, वो सिक्योरिटी पेपर जो आप या तो आपके कंपनी का है और या तो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, और इसको जब चाहे तब बेचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है 50,000 रुपए का, आज मन किया हम आज बेच देंगे इसको, और जैसे ही बेचेंगे मेरे पास 50,000 रुपया कैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, करेंट एसेट्स के जैसा ही है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्लियर है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करते हो, करेंट एसेट्स में से करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका, नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वही कह रहा है आपका, दिस रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी आर टू बी पेड विद इन अकाउंटिंग ईयर। करेंट लाइबिलिटी या फिर करेंट एसेट्स की बात करें, करेंट एसेट्स से भी एक साल के अंदर में पैसा रिकवर हो जाता है, और करेंट लाइबिलिटी में भी क्या करना पड़ता है, एक साल के अंदर में आपको रिपेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी है, यहाँ पर हमको ज्यादा बताने का कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार इसको घर पे भी खुद से पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। द नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी निगेटिव ऑल्सो, निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कहने का मतलब जब करेंट लाइबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स आपका क्या है, कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि निगेटिव वर्किंग कैपिटल हो जाता है। मगर पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल कब होता है, जब आपका करेंट एसेट्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू करेंट लाइबिलिटी, इसको कहेंगे पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। तो बताइए एक बिजनेस के लिए ज्यादा बेटर क्या है, ऑब्वियसली बात है ज्यादा बेटर है पॉजिटिव लाइबिलिटी, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये शो करता है कि आपका लिक्विडिटी पोजिशन जो है बहुत अच्छा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो करेंट एसेट से फंड आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो कैश है, बैंक बैलेंस है, बिल्स रिसीवेबल है, तो इससे क्या होगा, आपका फंड जो है आपके आने वाले समय में आपको ये कैश में कन्वर्ट होगा, स्टॉक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, डेटर क्या होगा, कैश में कन्वर्ट होगा, तो कैश आएगा। तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा करेंट एसेट्स रहेगा उतना ज्यादा आपका लिक्विडिटी पोजिशन अच्छा रहेगा, और अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को आप इजिली फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अब देखिए ये लाइन बाय लाइन रीड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी है, तो हम आपको बस थीम बताते चले जाएंगे, एक बार आप इसको घर में जरूर पढ़ लीजिएगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको हम लाइन बाय लाइन रीड करते चले जाए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल डिसाइड करने वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आप डिसीजन ले रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा होना चाहिए, तो क्या ध्यान में रखोगे? तो देखिए एक बात तो आप ध्यान रख लो कि वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है करेंट एसेट्स, होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब करेंट एसेट्स का पार्ट होता है स्टॉक, ठीक है, यानी कि वर्किंग कैपिटल में स्टॉक आता है, और आप जान लो किसी भी बिजनेस में ना
स्टॉक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कितना स्टॉक मेंटेन करते हैं या फिर आपका जो बिजनेस का नेचर है, आपको कितना स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप पेरिसेबल आइटम का बिजनेस कर रहे हैं तो आप ज्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि जितना बिकेगा उतना ही आप रखेंगे, अगर नहीं बिका तो वो हो जाएगा खराब। एक दिन उनका लाइफ होता है। पेरिसेबल आइटम क्या होता है? दूध, दही, साग सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, तो 1 से 2 दिन लाइफ होता है। तो उस केस में इस तरीके के बिजनेस में क्या होता है, आपका पेरिसेबल आइटम अगर है तो आप स्टॉक मेंटेन नहीं करोगे। और अगर आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, जैसे टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर, बल्ब, शर्ट, है ना, ये सब क्या है, कॉपी, बुक्स, पेरिसेबल आइटम नहीं आता, ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं, तो यहाँ पर आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। तो सिंपल सा बात है, अगर आप स्टॉक मेंटेन करोगे तो आपको पैसा लगेगा, पैसा लगेगा यानी कि मोर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। और अगर स्टॉक मेंटेन नहीं करना है आपके बिजनेस में तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस। एक और बात हो सकता है नेचर ऑफ बिजनेस में कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, मार्केट में कुछ लोग हैं जो रिटेल बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जो है होलसेलर बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग सर्विस देने का काम करते हैं। तो जो सर्विसेज देते हैं उनको स्टॉक ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है, तो वो लोग वर्किंग कैपिटल थोड़ा कम भी रखेंगे तो चलेगा। अब आइए रिटेलर में, रिटेलर थोड़ा स्मॉल स्केल पे काम करता है तो रिटेलर को थोड़ा कम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि कम स्टॉक का रिक्वायरमेंट हो जाता है, कम कैश का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वो थोड़ा स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है। मगर होलसेलर की बात करें तो रिटेलर के मुकाबले होलसेलर को ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा। और वहीं अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर की, तो मैन्युफैक्चरर को और ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, नेचर क्या है। अगर ड्यूरेबल गुड्स वगैरह बेच रहे हैं तब तो भाई आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, मगर पेरिसेबल आइटम अगर ये सब बेच रहे हैं तो फिर आप नहीं मेंटेन करते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। फिर रिटेलर है कि होलसेलर है कि मैन्युफैक्चरर है, इस पे भी डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन कहने का मतलब क्या होता है, कौन से स्केल पे काम कर रहे हो। आप जब ये टॉपिक पढ़ रहे होगे तो आपको फील हो रहा होगा कि कल जो पढ़े थे उसी से रिलेटेड है, मगर कल जो हम लोग डिसीजन ले रहे थे वो फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से डिसीजन ले रहे थे, मगर आज जो डिसीजन लेंगे वो वर्किंग कैपिटल के हिसाब से डिसीजन लेंगे। बस फर्क इतना है, टॉपिक मोर और लेस इर्द गिर्द ही है, बस अलग अलग थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन कहने का मतलब क्या होता है कि आप कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं कि स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं। तो लार्ज स्केल पे लार्ज वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो लार्ज डेटर होगा, लार्ज क्रेडिटर होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश रखना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। पर अगर आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो लेस वर्किंग कैपिटल में काम आपका हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। ये थोड़ा आपको लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन कहने का मतलब सिंपल सा बात है, देखिए जब बूम पीरियड होता है, यहाँ पे बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन को रिलेट कर रहा है बूम और रिसेशन पीरियड से। जब पीक सीजन रहता है यानी कि बूम पीरियड रहता है मार्केट, बूम पीरियड कहने का मतलब क्या, मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी है, मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी का मतलब है लोग बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, कंपनी को एकदम बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, बम्पर सेल हो रहा है ना, कंपनी का हर साल सेल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब बूम पीरियड है इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी है, तो एज अ मैन्युफैक्चरर या फिर एज अ दुकानदार हमको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि कब कितना डिमांड आ जाए मुझे पता नहीं। तो एज अ मैन्युफैक्चरर हमको लगातार मैन्युफैक्चरिंग करना और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर करके स्टॉक भी मेंटेन करना, फिनिश गुड्स का हमको स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कब बल्क में ऑर्डर आ जाएगा पता नहीं। तो हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें, इसलिए हम बल्क में प्रोडक्शन करके स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे, ताकि कितना भी डिमांड आए हम तुरंत फुलफिल कर दें। तो भाई स्टॉक मेंटेन करोगे तो जाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है।
ज्यादा जब डिमांड, और जाहिर सी बात है जब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगा आपका, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का भी स्टॉक रखना पड़ेगा, आपको कैश भी अपने पास में रखना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए। तो जाहिर सी बात है जब बूम पीरियड रहता है तो सब कुछ स्मूथ फ्लो में चलता है और बहुत तेजी गति से चलता है, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। पर जब रिसेशन पीरियड है तो जस्ट उल्टा हो गया। रिसेशन पीरियड में डिमांड नहीं है तो भाई प्रोडक्शन क्यों करोगे? अब प्रोडक्शन क्यों नहीं करोगे तो स्टॉक भी मेंटेन नहीं करोगे। मंदी का दौर में कोई स्टॉक मेंटेन करता है क्या? देखिए, मंदी का दौर में अगर माल नहीं बिका तब स्टॉक हो जाता है, मगर जनरली कोई ऐसा नहीं करता कि चलो हम प्रोडक्शन करके स्टॉक बढ़ा लेते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। मंदी के दौर में जो बिजनेसमैन है थोड़ा फूक फूक के कदम रखता है कि भाई अभी स्टॉक नहीं, जब डिमांड आएगा तो क्रिएट करेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, तो फिर वर्किंग कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट जो है वो घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर भी रोल प्ले करता है। आपको पता है बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनली चलता है ना, बहुत सारा बिजनेस ऐसा, जैसे रेनी सीजन के टाइम पे बरसात रेनकोट का हो गया, अम्ब्रेला का हो गया, डिमांड बढ़ जाता है। विंटर का अगर टाइम है तो फिर विंटर क्लॉथ का जो है डिमांड बढ़ जाता है। तो ये क्या है? सीजनल फैक्टर, सीजनल बिजनेस है। तो सीजनल बिजनेस में ना वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा अधिक हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, आपका वर्किंग कैपिटल कंसिस्टेंट चलेगा, ठीक है। नॉर्मल, जैसे नॉर्मल ऐसा बिजनेस करे जैसे आलू प्याज का बिजनेस, तो ये रेगुलरली यूज होता है, तो इसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएशन नहीं होता। मगर सीजनल बिजनेस कर रहे हैं आप समर विंटर क्लॉथ का, विंटर क्लॉथ्स का आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो जैसे ही आपका नवंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, आपको स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। अक्टूबर से ही आपको स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा ताकि नवंबर दिसंबर जनवरी में हम कस्टमर के डिमांड को फुलफिल कर पाए। फिर फरवरी मार्च अप्रैल में वही ठंडा बिजनेस रहेगा आपका, मंदा रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे ही सीजन आता है बिजनेस पीक पे पहुंच जाता है, और पीक पे पहुंच जाता है तो डिमांड क्या है, बढ़ जाता है आपका। तो सिंपल सा बात है, सीजनल फैक्टर मतलब कि अगर पीक सीजन है तो भाई वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, और अगर ऑफ सीजन है, स्लैक सीजन है ना, देखो यहाँ पर लिखता है ऑफ सीजन हो या स्लैक सीजन हो, तो डिमांड बहुत कम हो जाता है, तो लेस वर्किंग कैपिटल इज नीडेड, है ना। आई होप कि इसमें आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल की बात करें, ये भी एक फैक्टर है जो रोल प्ले करता है। टेक्नोलॉजी कहने का मतलब क्या, हम लोग पढ़े थे ना लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दो तरीके का टेक्नोलॉजी यूज होता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या है, लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, और लेबर को डेली पैसा देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा। लेबर जो है वेस्टेज ज्यादा करता है, लेबर से जब आप काम कराएंगे तो वेस्टेज भी ज्यादा करता है वो, तो इस केस में आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो ज्यादा लगेगा, मोर वर्किंग कैपिटल। पर अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, इन दैट केस अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मशीन इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, देन लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्कर को ज्यादा वर्कर आप अपॉइंट नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर काम तो आपका मशीन कर दे रहा है, तो वर्कर जितना भी है उतने को ही पेमेंट करना, और साथ ही साथ वेस्टेज कम होता है, ज्यादा स्पीड से काम भी होता है ना। तो उस केस में अगर बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, पर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो घट जाता है, और आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी घट जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जब आप मशीन से बिजनेस करते हो ना, मशीन का टेक्नोलॉजी का यूज करते हो अपने बिजनेस में, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घट जाता है। कहने का मतलब बिजनेस करने में जो रेगुलर खर्चे होते हैं वो सब आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल कहने का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग साइकिल कहने का मतलब है, देखिए
कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारा गुड्स ऐसा होता है जिसको मैन्युफैक्चर होने में समय लगता है। जैसे मान लीजिए आप मिल्क प्रोडक्शन की बात करिए, तो मिल्क का प्रोडक्शन करने में समय नहीं लगता है। सुबह सुबह गांव से दूध आया है ना, जितने भी दूध गाय रखते हैं भैंस रखते हैं वो लोग दूध पहुंचा दिए, क्वालिटी चेक करके अलग अलग कैटेगरी में ले लिया गया। अगर कुछ घट रहा है तो उसमें पाउडर मिला दिया गया, पाउडर भी मिलाया जाता है मिल्क पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पर समय नहीं लगता है मैन्युफैक्चरिंग करने में। सुबह से काम चालू हुआ 4 बजे से 8-9 बजे तक, दिन के 8-9 बजे तक जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होना था हो गया। 5 से 6 घंटे का बिजनेस होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको पास्चुराइजेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, जो कि साइंस में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल लंबा समय नहीं है, पर बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसको बनने में 10-10 दिन 15-15 दिन का समय लग जाता है। तो वहां पर आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल लंबा है। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब फिनिश गुड्स में बनने में है ना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है। अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में 10 दिन का समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। पर अगर एक दिन में आप कन्वर्ट कर ले रहे हो और कन्वर्ट करके आप मार्केट में सप्लाई कर दे रहे हो, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। जैसे कार इंडस्ट्री की बात करें, तो कार इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि मशीन का इंजन आया, कार का इंजन आया और कार रेडी हो गया। नहीं, पेंटिंग होता है, केबलिंग होता है, एक कार को बनने में एक स्टैंडर्ड समय लगता है, मान लीजिए 10 दिन का समय लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे रियल एस्टेट बिजनेस की बात करें, जो अपार्टमेंट बनाते हैं, तो उन लोग का वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सीमेंट खरीद लिए, बालू खरीद लिए, रॉड खरीद लिए, ब्रिक्स खरीद लिए और उसको लगाते जा रहे, लगाते जा रहे, लगाते जा रहे। जब वो बिकेगा तब पैसा आएगा। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अपार्टमेंट बनने में 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है, तो ऑपरेटिंग साइकिल भी बहुत ज्यादा है। सीमेंट से अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो सीमेंट हो गया रॉ मटेरियल, और कंप्लीट अपार्टमेंट क्या हो गया, कंप्लीट बिल्डिंग क्या हो गया, आपका फिनिश गुड्स। तो ऑपरेटिंग साइकिल चूंकि ज्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। तो सिंपल सा फंडा है, हायर द ऑपरेटिंग साइकिल हायर द वर्किंग कैपिटल, लोअर द ऑपरेटिंग साइकिल लोअर द वर्किंग कैपिटल, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट अलाउड। आप अपने कस्टमर को कितना क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट अलाउड मतलब क्या, कितना क्रेडिट देते हो, मतलब उधार कितना देते हो। अगर मान लीजिए आप कैश में बेचते हैं, नहीं भाई हम अपने क्लाइंट को उधार नहीं बेचते हैं, एकदम कट टू कट, मान लीजिए पैसा दीजिए, एकदम तुरंत पैसा हाथ में रखिए तब आपको माल मिलेगा, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा जो स्टॉक है वो तो तुरंत कैश में बिक गया, फिर तुरंत तुम वर्किंग कैप, फिर तुम रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो यहाँ पर थोड़ा कम वर्किंग कैपिटल भी है तो चलेगा। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को उधार नहीं दे रहे, तो मेरा कुछ पैसा ब्लॉक ही नहीं हो रहा। अब मान लीजिए हम अपने कस्टमर्स को 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, हम अपने कस्टमर्स को 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, तो आज वो माल लेके गया और 1 महीना के बाद पैसा देगा, तो जाहिर सी बात है हमको तो कैश क्रंच हो जाएगा ना, इसलिए हमको अपने वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं, आप अपने कस्टमर्स को उधार देते हैं, क्लाइंट को उधार देते हैं, तो सिंपल सा फंडा है आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। पर आप अपने कस्टमर्स को उधार नहीं देते हैं, एकदम कैश में बेचते हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं, तब फिर भाई कम वर्किंग कैपिटल भी रखेंगे चलेगा, ठीक है। जैसे अगर उधार नहीं बेचते हो तो आपका डेटर में पैसा ब्लॉक नहीं होगा, सिर्फ स्टॉक में पैसा ब्लॉक होगा, मगर उधार बेच रहे हैं तो डेटर अलग लेके बैठा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल अलग है, स्टॉक अलग है, और कैश मेंटेन करना पड़ रहा अलग है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाता है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल, ये भी ठीक बात है भाई। क्रेडिट अवेल मतलब आपको कितना उधार मिल रहा है। अगर मान लीजिए हम बिजनेसमैन है, हम मैन्युफैक्चरर है और हमको बहुत उधार मिलता है, हम हर सप्लायर से उधार ले लेते हैं, तो भाई थोड़ा कम वर्किंग कैपिटल भी रहेगा ना तो चल जाएगा। कैसे? हम रॉ मटेरियल खरीदे उधार में,
हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए, उसको बेचे और बेच के पैसा आया, फिर हम उसको दे दिए, फिर हम उसको रीपेमेंट कर दिए। तो इसमें क्या हो रहा, हमको पैसा लगा ही नहीं, मेरा कम पैसा ब्लॉक हुआ। हम जैसे ही उसको सेल किए, हम अपने सप्लायर को दे दिए, फिर रॉ मटेरियल खरीदे, फिर उसको कन्वर्ट किए, फिर हम उसको बेच दिए और फिर पैसा जो आया हम अपने सप्लायर को पे कर दिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको चूंकि क्रेडिट पॉलिसी मिल रहा है, क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, तो हम अगर कम वर्किंग कैपिटल भी रखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी मिल रहा है। मगर अगर हमको उधार नहीं मिलता अपने सप्लायर से, तो फिर हमको कैश में परचेज करना पड़ेगा, फिर उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम बेचेंगे, तब पैसा आएगा। तो उस केस में क्या है, आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो क्रेडिट अवेल कर पा रहे हो, यानी कि आपको अगर उधार मिल पा रहा है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। पर अगर आपको उधार नहीं मिल पा रहा है, तब फिर आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर आपकी बिजनेस का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छा है, सर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब आप वेस्टेज कम करते हो, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, सटीक है, वेस्टेज कम करते हैं। अब बताओ वेस्टेज कम करते हो तो जाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। मगर आपके बिजनेस में वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो फिर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कहने का मतलब कि आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, उस चीज में जो भी रॉ मटेरियल अप्लाई होता है, जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है, क्या वो इजिली अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मान लीजिए हम वैसा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं गुड्स का, वैसे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिसका रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल नहीं है, तो जब भी अवेलेबल होगा हम उसका बहुत ज्यादा लार्ज स्टॉक मेंटेन करेंगे। बात समझे, हम जो भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसका हमको मार्केट में इजिली एक्सेस नहीं है, जल्दी सप्लाई नहीं होता, तो जब भी मार्केट में आएगा हम तुरंत बल्क में खरीद के उसको स्टॉक कर लेंगे ताकि कल को हमको शॉर्टेज ना हो। ठीक है, मगर मेरा रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है, हम जब चाहे मार्केट में खरीद सकते हैं। तो उस केस में क्या है, जब इजिली अवेलेबल नहीं है तो आपको जब भी अवेलेबल होगा लार्ज स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे हम समझा रहे वैसे समझना पड़ेगा, लार्ज स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, और चूंकि लार्ज स्टॉक मेंटेन करेंगे तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाता है। सिंपल सा फंडा है कि अगर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कब बढ़ेगा, जब इजिली अवेलेबल नहीं है आपका रॉ मटेरियल। पर रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है तो कोई पंगा नहीं है, स्मूथ सप्लाई है, तो जब चाहे तब जाके आप खरीद सकते हैं, तो स्टॉक मेंटेन नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। ये है आपका। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन लेवल कैसा है, अगर वैसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। हाई कंपटीशन कहने का मतलब कस्टमर वेट नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए हम वैसा गुड्स बेचते हैं जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो कस्टमर को अगर हम बोल दे कि भाई 2 दिन रुकना पड़ेगा तो वो वेट करेगा, क्योंकि अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कम स्टॉक भी मेंटेन करेंगे तो चलेगा। जैसे मान लीजिए स्टॉक कम है, कस्टमर ज्यादा आ गया, हम बोले भैया 2 दिन वेट करिए तब आपको सप्लाई करेंगे, अब ऑप्शन ही नहीं है, वेट करना पड़ेगा। यानी कि कम वर्किंग कैपिटल लगेगा क्योंकि स्टॉक कम मेंटेन कर रहे हैं, पर लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है मतलब कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, कस्टमर वेट नहीं करेगा, फिर मेरे पास आया देखा सामान नहीं है, दूसरे कस्टमर दूसरे सप्लायर के पास चला जाएगा क्योंकि वो उसको सप्लाई कर देगा। तो उस केस में क्या है, हमको स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि कस्टमर का वेटिंग पीरियड है ही नहीं यहाँ पे, कस्टमर वेट ही नहीं करेगा। तो अगर मोनोपोली बिजनेस है तब तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर मोनोपोली बिजनेस नहीं है, एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है मार्केट में, तो बाबू आपको इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, और स्टॉक ज्यादा मेंटेन करेंगे तो आपको आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इन्फ्लेशन आपके बिजनेस में, आप जिस टाइप के बिजनेस को कर रहे हो उस टाइप के, अब जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल का प्राइस
लेबर का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, यानी कि प्राइस इंक्रीज कर रहा है। देखो दो बातें होती हैं इन्फ्लेशन के केस में, कभी कभी क्या होता है ना कि इन्फ्लेशन आया, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, हम एक मैन्युफैक्चरर हैं, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया मेरा, लेबर का प्राइस बढ़ गया, मगर अब लेबर का प्राइस बढ़ा, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, मगर हम सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम सेलिंग प्राइस नहीं इंक्रीज कर सकते। तो उस केस में क्या होगा, हमको मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घट जाएगा। मगर कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ बिजनेस ऐसा होता है, जैसे ही रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा, जैसे ही लेबर कॉस्ट बढ़ा, आप तुरंत क्या किए, आप प्राइस भी इंक्रीज कर दिए। मतलब यहाँ लेबर कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा और यहाँ पे आप प्राइस भी बढ़ा दिए, तो दिक्कत नहीं है, तो पंगा ही नहीं है, क्या दिक्कत है, इधर बढ़ा इधर भी बढ़ा दिए, पैसा ज्यादा आ रहा है, बैलेंस हो गया। पर अगर आप रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, मगर आप प्राइस बढ़ा नहीं पा रहे हो कॉम्पिटिशन की वजह से, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, है ना। आप ये भी हो सकता है कि ये जो इन्फ्लेशन है टेम्प्रोरी इन्फ्लेशन है, तो टेम्प्रोरी इन्फ्लेशन में प्राइस नहीं बढ़ाती है कंपनी, कंपनी मैनेज करती है कि चलो भाई आज हम 2 महीना कम प्रॉफिट कमाएंगे, कल को जब रॉ मटेरियल का प्राइस घटेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो अगर इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे रॉ मटेरियल में ज्यादा खर्च हो रहा है, लेबर पे ज्यादा खर्च हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। पर अगर कंपनी उस चीज को मैनेज कर ले रहा है प्राइस इंक्रीज करके, तब फिर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा नहीं, बात समझे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वर्किंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ आप अपना प्राइस बढ़ा रहे हो कि नहीं, प्राइस भी बढ़ा रहे तो वर्किंग कैपिटल पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पर अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा और वर्किंग कैपिटल सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है मगर आप प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो इसका बर्डन कहाँ जाएगा, वर्किंग कैपिटल पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, लेबर को पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो घट जाएगा, और कभी कभी तो लॉसेस भी बियर करना पड़ता है, ठीक है। अभी कई दुकानदार ऐसे हैं जो बिजनेस नहीं चल रहा पर किराया दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, है कि नहीं, तो ये सब तो चलता रहता है। फिर लास्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर आपके बिजनेस का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, यानी कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, या फिर आप प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, लार्ज स्केल पे काम करना चाहते हैं, तो भाई रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, लेबर का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपके मोर इनपुट्स लगेंगे, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है आपका लास्ट ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। फिर यहां पर एक बहुत शॉर्ट में एक कंक्लूजन दे रहा है, कब मोर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है और कब लेस वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो आज के क्लास में हम लोग पढ़े उसी का ये समरी है। तो अगर एग्जाम के टाइम पे ये पढ़ के चले गए ना, तो आपका पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप ये चीज समझ पा रहे होंगे और ये डिफरेंसेस को आराम से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए वर्किंग कैपिटल के बारे में और फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़े, और ये समझे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।